How are you? alaikum I hope I was happy, healthy with your family. I am happy too with my family. Yes, guys. Thank you so much. Who coming new person? My home brother, sister, girl boy, everyone. Thank you so much. And gimme give gimme give your a, such a beautiful time, special time. You watch my video and give me beautiful message. Thank you so much. I'm very, very appreciate my beautiful YouTube family. Today is big, big breaking news and sad news. कुछ यूट्यूबर हैं कुछ चैनल वाले हैं जो फेक जो न्यूज को है वो हर जगह फैला रहे हैं कि डी भाई खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो चुकी है वो फोत हो चुके हैं जो बहुत गलत बात है ऐसा कुछ भी नहीं है डकी भाई माशाल्लाह वो लाइव हैं वो जिंदा हैं वो अपने घर पे हैं अपनी वाइफ के साथ है अपनी फैमिली के साथ है लेकिन इन लोगों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि ये लोग जो है इस तरह की चीज़ें क्यों फैला रहे हैं ऐसे ये लोग क्यों कह रहे हैं कि जी डी भाई जो है वो फोत हो चुके हैं उनकी डेथ हो चुकी है क्योंकि वो कुछ दिन से व्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं लोगों ने ये सोच लिया कि शायद वो व्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं तो इसलिए जी कुछ ऐसा तो यार अगर कोई इंसान व्लॉगिंग नहीं कर रहा अपनी वीडियो अपलोडिंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा खास तौर के साथ कुछ भी ऐसा हो हो जाए जो आप लोग न्यूज दे रहे हो जो आप लोग चैनलों पे फैला रहे हो और एक चैनल का तो बहुत ही दुख हुआ कि उन्होंने तो बहुत धल्ले से ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके इस ब्रेकिंग न्यूज को डाल दिया कि जी उनकी डेथ हो चुकी है इसलिए वो वीडियो नहीं डाल रहे इसलिए वो सामने नहीं आ रहे जो बहुत अफसोस की बात है और उन्हीं की वीडियो में उन्हीं की बातों से ही जो है उनकी बातों उनके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही जहां वो कह रहे थे कि जी उनकी डेथ हो चुकी है और कह रहे डेथ होने वाली है अब यहां से अंदाजा लगाएं कि इंसान जो झूठ भी बोले ना जरा सोच समझ के बोले एक जगह पे वो ये कह रहे हैं अगर आप अगर मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगी लेकिन उनको और थोड़ा सा वो मिल जाएगा लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी लेकिन ये है कि जी इस तरह के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो हमारे इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं खा वो पाकिस्तान के हो खा वो इंडिया के हो खा वो कहीं के भी हो हमने ऐसे लोगों की जो है हमें ऐसे लोगों को काम को अप्रिशिएट करना चाहिए उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना कि उन लोगों को हम कहते हैं जी अगर कुछ दिन के लिए वो नहीं आ रहे कैमरे के सामने तो कहते हैं जी वो डेथ हो गई है वो मर गए हैं वो यहाँ चले गए वो फलान ढींग अटलम पटलम जो मुंह में आता है लोग बोलना शुरू कर देते हैं जो समझदार लोग लो होते हैं वो इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी नहीं करते अगर आप लोगों को अपने चैनल को चमकाना है अपने चैनल पे कुछ ना कुछ दिखाना है तो आप गुड वे पे दिखा सकते हैं आप ये बता सकते हैं कि डक्की भाई इतने दिन से नहीं आ रहे हैं अल्लाह खैर करे और अल्लाह उनकी हिफाजत करे या कुछ भी आप अच्छा थिंक उनके लिए कह सकते हैं लिख सकते हैं लेकिन अगर आप बैड थिंक कहना शुरू कर दें जो वो मर गए हैं उनके साथ ये हो गया उनके साथ अफलान ढींग ये वो अब हमें हकीकत का तो नहीं पता कि क्या वजह हुई है क्या नहीं हुआ लेकिन अभी डकी भाई ना मैं आपको मैसेज सुनाती हूँ ढकी भाई अपने मैसेज में क्या कह रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो सही है वो फाइन है उनको कुछ भी नहीं हुआ है उन्होंने कुछ दिन के लिए ब्रेक ली है देन ही कम बैक अगेन लेकिन कुछ लोग जो है इस चीज का भी फायदा उठा उठा के जो ब्रेकिंग न्यूज जो दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं ठीक है आपको अगर न्यूज देनी है तो आप एक गुड वे पे न्यूज दे सकते हैं आप एक अच्छी चीज दिखा सकते हैं लेकिन एक आदमी जिंदा आदमी चलता फिरता उठता बैठता खा आप उसको पकड़ के आप मार ओ नहीं मरा मैं भाई ओ नहीं मरा मैं वीडियो बना के बताऊंगी मैं नहीं मरा क्या हो गया है यार ये किससे शुरू किया यार कोई कह रहा है मेरा एक्सीडेंट हो गया कोई कह रहा है कि मुझे घर से निकाल दिया है कोई कह रहा है कि भाई मेरी बीवी छोड़ के चली गई है मुझे कोई कह रहा है मैं रेस्ट हो गया हूँ कोई कह रहा है मैं मर गया हूँ कुछ नहीं हुआ भाई यार बस कर दो अब तो ठीक है इस तो चले जी अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत दे और हमारे डकी भाई को लंबी जिंदगी और सेहत अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन और इंशाल्लाह बहुत बहुत जल्द वापस आ जाएंगे तो हम भी इन लोगों की बैंड से बैंड बजा देंगे आपको जो भी तंग करेगा हम उसको तंग करेंगे उसको तेरे मैसेज कर देंगे तेरे मैसेज कर देंगे अच्छे 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 मैसेज करेंगे एक लिमिट में रहकर मैसेज करेंगे ताकि उन लोगों को थोड़ा सा ख्याल आ जाए और आपको वो दोबारा कभी भी जो कभी भी आपको तंग और परेशान मत करे डकी भाई आप अपने गिलासेज पे इतने बाबा फिंगर मत लगाया करें डी भाई आपके गिलास इतने प्यारे हैं माशाला आप इतना फिंगर लगाएंगे गुस्से के मारे गिलास टूट जाएंगे डकी भाई फिर आपने ग्लासेस को हाथ लगा दिया डकी भाई अभी कह रही थी सुबह सुबह आपने अपने गिलास इतने अच्छे से साफ किए थे बाबा फिंगर लगाते उस पर उंगलियाँ लग जाती हैं और उसके बाद फिर मुझे आपकी एक आई बिल्कुल भी नजर नहीं आती और जो आपकी ये आपके साथ जा रहे हैं भाई कैसे हो ठीक हो हो ओ, 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 ओ। तो डी भाई, भाई इन लोगों के घर में रहे थे वहां पे इनके पास एक बिल्ली भी थी कैट भी थी जो आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा आ, बिल्ली बहुत प्यारी थी डी भाई उसको हाथ भी मिला रहे थे पर वो बिल्ली हाथ नहीं मिला रही थी अब इनके फ्रेंड भी कह रहे छोड़ दो छोड़ दो जाने दो डी बहुत गुस्सा कर लिया पर डकी भाई कह रहे नहीं मैंने तो इनकी बैंड से बैंड बजानी है यार मैंने इतनी मेहनत की मैंने वीडियो डाली अपलोडिंग की इन लोगों ने मेरी वीडियो को क्यों रोका मेरी वीडियो को क्यों उठा दिया मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मैंने इतना कीमती फोन महंगा फोन खरीदा फोन खरीद कर मैंने वीडियो बनाई अपलोडिंग की इतनी मेहनत की मैंने सात आठ नौ दस लाख पता नहीं कितने लाख लगा कर मैं यहाँ पे पहुंचा पहुंचाऊँ दुबई में आया हूँ मैंने खाने खाए क्या कुछ किया है अपनी बीवी को भी मैं छोड़कर आ गया मैंने इतनी कुर्बानियां दी पर उसके साथ मेरे साथ ये कर दिया मेरी वीडियो उन्होंने बंद कर दी मेरी वीडियो उन्होंने आने नहीं दी मेरे जितने भी व्यूज है मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है वो सब परेशान हो रहे डक्की की वीडियो आज क्यों नहीं आई आई थी तो उड़ गई कहाँ चली गई इतना परेशान भाई इतना परेशान वॉक पे वॉक 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 कर करी जा रहे करी जा रहे करी जा रहे और गालियों पे गालियां और बुरा बुरा कही जा रहे भाई मत थो, मत थो, कोई बात नहीं भाई 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 माफ 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 कर मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, माफ कर माफ कर माफ कर 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 दो 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 मुन्ना मुन्ना हमारे डी भाई बहुत अच्छे बहुत प्यार हमारे डक्की भाई डी भाई फिर आपने भाई अभी बोला था ग्लासेस पे हाथ मत लगाओ बार बार लगाते हो तो ग्लासेस गंदे हो जाते हैं गंदे होंगे फिर आपको टकल लग जाएगी टक्ल लगी तो आप गिर जाएंगे डक्की भाई नहीं डी भाई आपने अपना बहुत ख्याल बहुत ख्याल रखना है डक्की भाई बस कर दो बस कर दो डी भाई कितना गुस्सा करोगे कितना चलोगे डक्की भाई बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठे कुछ खा पी लो कुछ मोजे मार लो डी भाई बस कर दो पहले आप इतने पतले कमजोर हो गए हो मत करो देखो आपका दोस्त भी कह रहा है बस रहने दे यार चल चल खाना वाना खाते हैं कुछ सूख पीते हैं आए डक्की भाई बस कर दो आप अभी भी गुस्सा कर दो डक्की भाई नहीं 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 डक्की भाई बस नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। सूख मंगाओ सूख पियो डी भाई आप फिर गाड़ी में बैठ गए डकी भाई आप कभी इधर जाते कब उधर जाते मुझे समझ भी नहीं आती है मैं यहां से पकड़ू वहां देखो डी भाई आपकी सारी फिंगरे गाड़ी के शीशे के ऊपर लगी हुई आप जो फिंगर लगाते रहते हो ना ये देखो अब आपने फेस पे लगाई अब आप शीशे के ऊपर लगाओ तो शीशे पे फिंगर लग जाएगी इसलिए हमारी भाभी आप पे गुस्सा करती है डी जो है ना बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखता है पूरा घर गंदा करता है इस तरह शीशों पे हाथ मारता है ग्लासेस पे हाथ मारता है और हमारी भाभी ने अच्छे से ग्लासेस साफ करके आपको दिए थे कि पेन के दुबई में जाओ और जाके अच्छे से वीडियो बनाओ मुझे लगता है डकी भाई आपने अपने ग्लासेस गंदे कर जिसकी वजह से आपकी वीडियो पे कुछ हुआ और उन लोगों ने आपकी वीडियो को रोक लिया थैंक यू डक्की भाई थैंक यू डक्की भाई खुश हो, हो, हो गया और फिर डक्की भाई आपने हाथ लगा दिया अल्लाह मैं क्या करू मुझे भाभी के पास जाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा डक्की भाई देखो बाबा ग्लासेस को हाथ लगाते हैं डक्की भाई आप इतना हिलोगे तो गिर जाएगा चलो शुक्र है डक्की भाई ने सूख मंगवा लिया डी भाई अब आप बैठ के खाना खाओ मैं जाती हूँ मैं थक गई गयू है चले जी आएंगे टेक केयर अल्लाह हाफिज आएंगे नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ बाय बाय डक्की भाई बाय 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 बाय